नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के कई जिलों से लगातार मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आ रही है, जिसकी वजह से जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। कभी बच्चा चोर गैंग तो कभी गाय और धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आती जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार इन मामलों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मॉब लिंचिंग में किसी भी आरोपी के ऊपर FIR तक दर्ज नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने जनता को अपील करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं अफवाहों के आधार पर हो रही हैं, जनता संवेदनशीलता दिखाए ताकि घटनाओं को रोकने में सहयोग करे। जबकि कमलनाथ सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही कानून व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन जनता के बीच में मॉब लिंचिंग के ऊपर बनाए हुए इस कानून का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। कल ही मैंने ADG इंट को यहाँ से रिपोर्ट भेजी है कि ग्वालियर जोन के चारों जिलों में जो ये चाइल्ड लिफ्टर गैंग की गतिविधियाँ अभी तक नोटिस में नहीं आई हैं और ना कोई ऐसी घटना प्रकाश में आई है। कल 3 जो साधु वेश में लिप्त थे उनको मॉब लिंचिंग का जो प्रयास किया लोगों ने, उसमें हमने मामला कायम किया है। और उसमें जो 2 पुलिसकर्मी थे हमारे FRP वैन में, जिन्होंने बड़ी बहादुरी और डेयरिंग के साथ मॉब लिंचिंग को काउंटर किया और उनकी जान को बचाया, उनको हम 15 अगस्त को पब्लिकली सम्मानित करेंगे। कल ही SP ग्वालियर ने और मैंने पूरे संभाग में एडवाइजरी जारी करी है कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें, और जो भी इस तरह का सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैला रहे हैं या माहौल ख़राब कर रहे हैं या परवर्टेड माइंड के हैं, उनकी जानकारी दी जाए और उनके खिलाफ इस तरह का अफवाह फैलाने का, भ्रम फैलाने की जो भी हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फास्ट समाचार के लिए इनपुट हेड संजय चुडार की रिपोर्ट।